आपका बहुत बहुत स्वागत है आदर्श समाज न्यूज़ में। जैसा कि आप देख रहे होंगे टीवी पर भी कि लोकसभा के चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है और 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, तो आपकी इसमें क्या रणनीति है? और इस बार तो बहुत कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि धनबल और बाहुबल पर भी लगाम लगेगी, तो इससे तो आपकी पार्टी में काफ़ी खुशी की लहर होगी काफ़ी, क्योंकि आपकी पार्टी इन्हीं उद्देश्यों पर चल रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके लिए? धन्यवाद भाइयों और बहनों, ये जो प्रश्न इन्होंने किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने 2008 में रिटायरमेंट के बाद में और अपने अनुभव के आधार पर यह सोचा था कि इस राजनीति में सबसे बड़ा गंदगी जो आ गई है वो बहुत अधिक धनबल खर्च करने का, और जो बाहुबल हैं धनबल से ही बाहुबल खरीदा जाता है, बाहुबल के प्रयोग करने से लोग MLA इलेक्शन MP बन जाते हैं और फिर वो असम्बलीज में पार्लियामेंट में बहुत हल्ला गल्ला करते हैं और मतलब की कोई बात नहीं करता, एक दो लीडर के अलावा बाकी सब पीठ थप टेबल थपथपाते रहते हैं। इससे प्रजातंत्र इतना नीचे स्तर का हो गया है कि अब बहुत बड़े बड़े लोग भी जो असभ्य भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, तो समझ में नहीं आता ये जो देश जो बुद्ध का देश था, गांधी जी का देश था और सभ्य लोगों का देश था, ऋषि मुनियों का देश था, उसमें इतनी गंदगी आ गई है कि पॉलिटिक्स करने की तो तबीयत नहीं थी, मगर सुधार करना, व्यवस्था परिवर्तन करना एक उद्देश्य था और उसमें काफ़ी हद तक अभी भी प्रमुख जैसे धनबल के बारे में अभी इन्होंने कुछ नहीं किया है, बस ये कहा है कि जो खर्चा होगा उस पर नियंत्रण रखा जाएगा, उसको बहुत अच्छी तरह से एफिडेविट दिया जाएगा कि ये खुद के कैंडिडेट की संपत्ति हो उसमें, उसके उसकी धर्मपत्नी की हो और आश्रित बच्चे हैं उनकी भी प्रॉपर्टी हो, ये सिर्फ आदर्श समाज पार्टी के ही प्रभाव से मांग करते करते ये आया है, मगर इसमें धनबल का जहाँ तक प्रयोग करना है उसको सीमा नहीं उन्होंने कम की गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब इतना धन खर्च करने की बात होगी तो नेचुरली वो ये धन तो होगा ही साफ साफ, मगर उसे ब्लैक मनी जो खर्च होता है उसके ऊपर कोई भी माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने भी कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, और नरेंद्र मोदी जी से हम तब उम्मीद करी थी कि ये शायद चाय वाले हैं, चाय बेच के और गरीब बन करके आए थे, तो ये सोचेंगे कि गरीब आदमी कैसे और सच्चा ईमानदार है, का समाज के लिए कमिटेड है, देश के लिए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, वो कैसे MLA MP बनेगा, वो किसी पार्टी ने अभी तक नहीं किया है, न कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, वो आतंकवाद की बात करते रहे बस, इसके अलावा आतंकवाद कौन चाहता है, आंतरिक आतंकवाद है उसको भी नियंत्रण करना चाहिए, लिंचिंग जो थी वो भी आतंकवाद था, जिसको चाहो उसको चाहो मार दो, डंडे मारने लगते हैं TV पर दिखाया जाता है, ये भी एक आतंकवाद है, और फिर केवल इस तरह ये इम्प्रेशन होता है कि वर्तमान सरकार केवल आतंकवाद के नाम से करके और पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई करके वहाँ के लोग यहाँ मारते हैं, यहाँ के लोग वहाँ मारते हैं, कितने दुख की बात है, हमारे लोग शहीद हो गए और शहीद के बाद में आपने बदला लेने की बात की तो वहाँ के बाद सारे शहीद हुए, बात तो एक ही है ना, है तो हमारे भाई हैं सब, मगर जो आतंकी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई, प्रभावी कार्रवाई होते हुए दिखाई नहीं देता, केवल मानने मात्र से आतंकवाद तो नहीं खत्म हो रहा, ये सही है कि सारे संसार के अच्छे अच्छे देश जो हैं हमारे इस आतंकवाद के मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं और हर राष्ट्रभक्त को सपोर्ट करना भी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है कि हम आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की है सरकार ने उसमें हम कोई नुक्ताचूनी करें उसको करें, क्योंकि राष्ट्रभक्त का मतलब ही है कि सरकार के द्वारा उठाए हुए कदम का अप्रिसिएशन हो, उसमें तो हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसके अलावा जो बातें होनी चाहिए, जो चुनाव सुधार होना चाहिए था कि जो सच्चे ईमानदार लोग आएँ उसके लिए इनकम की लोअर लिमिट होनी चाहिए, घटाना चाहिए कि आप जो 10 लाख से 15 लाख से ज़्यादा खर्च क्यों, जॉइंट पब्लिसिटी होनी चाहिए, वो कुछ नहीं हो रही, खूब सारे के सारे जितने भी सर्वे होते हैं, सर्वेक्षण होते हैं, सब पेड होते हैं, सारी की सारी TV जो इंडिया TV फॉर एग्जाम्पल ले लिए, सिवाय भाजपा के, सिवाय नरेंद्र मोहन जी के, मोदी जी के और उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके अलावा किसी को भी इंडिया TV बुलाता नहीं है, तो इससे स्पष्ट है कि और भी TV जी न्यूज़ है वैसे ही वो करता है, तो इस तरह से कैसे आपका सही मैसेज किसी के पास से कैसे जा पाएगा? सर अभी ओपिनियन पोल भी चल रहा है इस वक्त, तो कहा जा रहा है कि BJP के पक्ष में 41% चुनाव सीटें आने की उम्मीदें हैं, तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो ऐसा है ना कि ये तो हावा बेस में आने वाली जनता है, कम पड़ी जनता है और जो बिना सोचे समझे अभी भी अंधविश्वास में विश्वास करती है और वे बहादुरी पसंद करती है और ये महसूस करती है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो झगड़ा हुआ है, बाइफर्केशन हुआ है, वो अभी भी
लोगों के दिल में चुभता है, और इस वजह से जो भी कार्रवाई होती है पाकिस्तान के खिलाफ उसमें यहाँ की जनता सब एकजुट होकर के, हिंदू वादी लोग हैं और वैसे लोग हैं वो समझते हैं कि हम राष्ट्रवादी इसी से होंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ें। ये जो ओपिनियन पोल है ये बात सही है कि भावना से के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी जनता आज जो है नरेंद्र मोदी की एयर स्ट्राइक और वो दूसरे स्ट्राइक हैं सर्जिकल स्ट्राइक के आधार पर उनकी तरफ हैं, मगर और बहुत से उन्होंने जो वायदे किए थे वो तो सब फ्लॉप हैं। वो कहीं इलेक्शन जीतने पर कोई देश का उद्धार नहीं हो सकता। आज भावना ये है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, राफेल में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की बातें आई उनको अभी तक वो क्लियर नहीं किए हैं, और वो राफेल के लिए चिल्ला रहे थे कि चौकीदार चोर है वो भी इस तरह के नारे मेरी समझ में तो नहीं अच्छा लगता कि प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे शब्द यूज़ किए जाएं। मगर साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचार के ऊपर सभी है। आज हमारा मुद्दा था भ्रष्टाचार हटाओ, तो भ्रष्टाचार में आज कम से कम बातें तो हो रही हैं। भ्रष्टाचार के दूर करने के लिए तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को जो वो किया था डिमोनेटाइजेशन किया था, हमारी पार्टी ने उसे सपोर्ट किया था कि आप डिमोनेटाइजेशन किया मगर उसका सही रूप से संचालन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन उसका सही होना चाहिए। हमारे इम्प्लीमेंटेशन तो सही नहीं हुआ, तमाम लोग मर गए, तमाम लोग परेशान होते रहे, सब कुछ हुआ, मगर वो जो कहाँ गया काला धन जिससे कर देते वो तो कुछ दिखाई नहीं दिया। 14 लाख वगैरह वगैरह जो बता रहे थे करोड़ आ रहा है वो कहाँ है, किधर है? सबके घर बैठे बैठे ब्लैक मनी को वाइट हो गया, 20-30% जो बैंक वालों को दे दिया, तो वो तो उनकी कम्प्लीटली ब्लॉक हुई। काला धन सर एक्चुअली होता क्या है लोगों को? काला धन ये है कि जो जिसकी इनकम है, मेरे पास मान लीजिए 5 लाख की इनकम है और 5 लाख के लिए मुझे इनकम टैक्स देना चाहिए कुछ ना कुछ, तो इनकम टैक्स न देखते हुए, इनकम को न दिखाते हुए इनकम टैक्स छिपाते हैं और जो बचाते हैं वो काला धन माना जाता है। जैसे आपको किराए पे मकान दिया और किराए के मकान पे आपने 1 लाख रुपये किराया लिया और उससे एग्रीमेंट करा लिया कि 50,000 रुपये देंगे, 50,000 ऊपर से लेंगे, ऐसे ही मकान खरीदने वाली बातें जो तमाम इसमें हैं, तो उसमें तो काफ़ी इन्होंने कंट्रोल किया था। तो वो यही है कि जारी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिस्त्री बन रही है, बैंक से लोन ले लिया और आधा अपनी जेब से लगा दिया दिखा के बैंक से और आधा जो वहाँ लगा लिया, तो वो ब्लैक मनी, इसको कहते हैं काला धन। वो काला धन को कंट्रोल करना किसी के बस का नहीं है, क्योंकि हर एक स्टैंड स्टिल हो जाता है। कोई चीज़ मकान बेचना है या मकान खरीदना है तो उसमें तो 50% काला धन होता ही होता है। तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी है देश की और वो सारे संसार में है, ऐसे नहीं है। अब नीरव मोदी है वो फर्जी डायमंड बेचता रहा, सारे बड़े बड़े कंट्रीज में बेचे उसने बना बना के। तो ऐसे जो जो काले धन वाले लोग हैं उनके दिमाग बहुत तेज़ है और सरकार से बहुत तेज़ काम करते हैं। हमने फार्मर्स के लिए नोएडा में ग्रेटर नोएडा की जो ज़मीनें दी गई थी प्रमुख सचिव राजस थे, तो हमने उनकी स्थिति को देखते हुए फार्मर्स को इतना बड़ा फ़ायदा पहुंचाया कि उनकी कीमत इतनी हाई रखी कि मंत्री भी हमसे वापस कराने के लिए दबाव डालते रहे मगर हमने उसे वापस नहीं किया। और आज वो उसी के आधार पे जो अवार्ड हुआ किसानों का, उसमें आगरा में भी मांग उठाई, अलीगढ़ में भी मांग उठाई, जो ये थे कि साहब हमें ज़मीन उतनी मिलनी चाहिए। तो एक सॉलिड कंट्रीब्यूशन हमने फार्मर्स के लिए किया था, उनके प्रोड्यूस का जो कीमत मिला वो भी हमने कहा था कौन से होना चाहिए। ये सब चीज़ें माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने उसमें से पॉइंट लिए हैं मगर वो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे ठीक से। जी सर, अभी फार्मर से अभी मुझे याद आया कि अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो चल रही थी मीडिया में, काफ़ी उछल रहा था उस चीज़ पे कि पीएम नरेंद्र मोदी जी वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर धोते हुए नजर आ रहे थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या सर ये दिखावा था या फिर वाकई में वो ऐसा कर रहे थे? नहीं, एक्चुअली नरेंद्र मोदी साहब ने पहले जब चार्ज दिया था तब उन्होंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान की वजह से मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ और मुझे नसीब हुआ है, मेरा धर्म ग्रंथ है संविधान। तो मुझे बहुत अच्छे लगे कि ये तो जो मैं बात करता था वही बात कह रहे हैं, मगर वो बाद में विचलित हो गए। अब जो है जब दिखाई दे रहा है कि सारे लोगों में हल्ला गूंज रहा है कि उनके खिलाफ़ ज़्यादा बात बना, तो उन्होंने अनुसूचित जात पर ही सारे डोरे डाले। मगर सवाल यह, अनुसूचित जात के लोगों के लिए किया तो उन्होंने मगर बाद में किया, अनुसूचित जात के सारे अधिकारी कर्मचारियों के जो प्रमोशन रिजर्वेशन का अभी भी एक्ट नहीं बनाया जो एक्ट बनना चाहिए था कि किसी तरह से दागी लोगों को नहीं आए वो नहीं आया। तो पैर जो धोने वाली बात थी वो तो आरएसएस का बहुत बड़ा मुद्दा पहले से ही है कि ये दिखावे के लिए पैर ट्राइबल्स के पैर छू का उनको हिंदू बनाना, क्योंकि दे आर नॉट हिंदूज, मगर वो पैर छू के दिखाते हैं, महिलाओं के मांग भरवाते हैं जिसे कहते हैं मैं हिंदू, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, है ना। तो ये जो ये वास्तविकता इतिहास के विरुद्ध में है, अगर नरेंद्र मोदी जी इतने सभ्य हैं
कि वो वाल्मीकियों के पैर छू सकते हैं, उसमें भी व्हाट्सएप पर निकला था कि वो ब्राह्मण लोग थे चारों, वो वाल्मीकि उनमें से कोई नहीं था। वाल्मीकि के पैर नहीं छूना चाहिए था उनको, सबसे पहले ये कहना चाहिए कि जितने भी वाल्मीकि के लोग लगे हुए हैं, मैं कई वर्षों से कहता चला रहा हूँ कि उनको जो है उनकी जो समस्याएं हैं उन पर उनका निदान किया जाना चाहिए। जैसे उनको बहुत कम सर्विस मिलती है और रेगुलराइजेशन नहीं होता, अब रेगुलराइजेशन न होने की वजह से वो सरकारी कर्मचारी तो होते नहीं हैं, काम उनसे कराते हैं। मायावती जी के ज़माने में जनरल कास्ट के लोगों को भी उन्होंने जो वाल्मीकि स्वीपर का काम दे दिया गांवों में, कोई करते नहीं है, ये दूसरे भी दूसरे लोग जाते हैं, उनका शोषण होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसी तरह से ये सुलभ शौचालय ही ले लीजिए, बिंदुसरी पाठक जी ने सुलभ शौचालय बनाया, उसमें जितने भी सुलभ शौचालय हैं ज़्यादातर ब्राह्मण मैनेजर हैं और काम होता है उनके वर्कर से स्वीपर से। तो ये केवल पैर धोने से काम नहीं चलेगा, ये तो मुझे तो ऐसे ड्रामा लगता है, ऐसे खाना खाना के हमसे आप समरसता लाना चाहते हैं समाज शुरू कास्ट के, उनके साथ खाना खाने से समरसता थोड़ी आ जाएगी, समरसता आएगी समानता लाके, कि जो संविधान में समानता की बात करिए उनको समानता का अधिकार दीजिए, उनको व्यापार करने में मौका दीजिए, उनके लिए आर्थिक आरक्षण करिए, जितने भी बैंकों से ऋण मिलता है उसका 21% जो है कम से कम शुरू कास्ट के लोगों को मिलना चाहिए, जो हम चाहते हैं, तभी तो उनकी भागीदारी होगी। जितने भी असेट्स हैं उन असेट्स को ट्रांसफ़र करिए। ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स क्या है, अभी इतने सालों की आज़ादी के बाद में ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स विकास के लोगों को कुछ भी नहीं है, नगण्य है, मगर हमने उसको कोशिश किया कैसे करना चाहिए, जैसे मलेशिया में किया था ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स उन्होंने किया, वो उन्होंने एक बैंक बनाई नेशनल बैंक और भूमपुत्रा, तो उसके माध्यम से उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स किए। और मैं दो बार गया था, एक बार 86 में गया था, एक बार बाद में गया 2003 में 21 में, तो पता लगा कि वो ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए उनके। हमने पूछा कैसे करते हैं कि साहब ऐसा था जो लीज पे प्रॉपर्टी थी वो 40% चाइनीज कब्जा किए हुए थे, जैसे ही लीज ख़त्म होती थी हम उसकी लीज उनको न दे करके रिन्यू न करके हम अपने जो भूमिपुत्र के लोग थे जो वहाँ के उनको देते थे, ऐसे यहाँ पर शासन को करना चाहिए। बहुत बड़े आर्थिक सुधार की ज़रूरत है। 8 दलित अफेयर्स कमेटी बनी थी, हमने संस्तुति की थी, वो कहाँ है दलित अफेयर्स कमेटी, अभी तक कोई कल्याण की बात तो आई नहीं। उसी तरह से आपके जो गवर्नर साहब के जो बात माध्यम से प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट थे के आर नारायण साहब, उस समय जो है 7 गवर्नर कमेटी बनी थी, वो 7 गवर्नर कमेटी ने कुछ रिकमेंड किया था, वो कहाँ है कहाँ धूल चाट रही है, किसी ने कोई चिंता नहीं की। तो ये मतलब आप तो सुकास का नाम ही नहीं लेना चाहते, वो सबसे बीकर सेक्शन फलाने सेक्शन ये बात करते हैं, मगर सुकास के नाम से जो संवैधानिक उनका वो है भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी नहीं मिल पा रही है, और सिर्फ पैर धोना खाना खिलाना खिचड़ी खिलाना ये सब नाटकबाजी से कभी नहीं हो सकता। और माननीय नरेंद्र मोदी साहब से जो उम्मीद थी कि इनको जो बहुत आगे बढ़ाएंगे और हिस्सा करेंगे, कोशिश की है, हो सकता है उनके ऊपर आरएसएस का दबाव हो सकता है उनके साथियों का दबाव हो, समाज का दबाव हो, तब भी उन्होंने बहुत कुछ सोचा करा, मगर जितना करना चाहिए था सुकास्ट के लोगों के लिए उतना नहीं हुआ, ये बात सही है। केवल दिखावा दिखावा बात करते रहे और दुनिया भर के सारा फायदा मालदारों के हक में गया है, सब चीज़ में जितनी भी योजना बनी है सब फायदे बताइए। अब इस 7 दिन की कंपनी को अनिल अंबानी को वो दे दी दिलवा दिया, और उसमें HAL के तमाम हजारों कर्मचारी रिटेंच हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे नगर निगम के लोग हैं, सब बेचारे झाड़ू लगाते रहते हैं सुबह सुबह, कैसे जिनकी पढ़ाई होगी, जब सुबह सुबह महिलाएं झाड़ू लगाती हैं तो उनके बच्चों को कौन स्कूल भेजेगा, कैसे स्कूल भेजेगा, हर मोहल्ले में स्कूल होना चाहिए, वो कोई सोचता ही नहीं है। तो बहुत बहुत ही देश में सामाजिक परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए मैं संघर्षरत हूँ कि यद्यपि मेरे पास कोई पावर नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि पब्लिक की ओपिनियन इसमें आए और व्यवस्था परिवर्तन में लगे। आपने वो थे 2008 में हमने यही कहा था व्यवस्था परिवर्तन हो ये हो, तो पता लगा कुछ दिन 2011 में ये जो हमने चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ अनशन पर बैठ के 10-12 दिन कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, लोकपाल लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर लोकपाल अब नियुक्त हुआ, इतने दिनों से लोकपाल बिल बन गया मगर नियुक्ति नहीं हुआ, और केजरीवाल खुद ही उसमें आज के उसमें गंदगी में घुस गए हैं, वो अपनी जात विशेष में ही घुस गए, उन्होंने 2 MPs को बना दिया जो करोड़ों रुपया खर्च करके बन सकते हैं उनको बना दिया। तो ऐसे व्यवस्था परिवर्तन जो बात है वो तो बहुत बड़ा इशू है, वो नहीं कर पा रहे हैं, और हम चाहते थे कि कम से कम हम गाइड करें, और उस व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब इलेक्शन सस्ता होगा,
जब धनबल बाहुबल वाले लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, नहीं तो उन्हीं के जो धनबल बाहुबल से जीते हुए एमपीज हैं उन्हीं के चेले चपाटे मोहल्लों में और वैसे समाज को विकृत करते हैं, वो बहु बेटियों की इज्जत लूटते हैं, मारते पीटते हैं और जान को खतरा करते हैं। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए अभी बहुत एक 100 में 10 कदम भी आगे नहीं बढ़े।